सो वेल गाइज, अगर आप एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, रैपर या फिर कवर सिंगर और आप बहुत बेहतरीन अपने ऑडियोज रेडी कर रहे हैं बट प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं विद द म्यूजिक वीडियो, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स कह लो या फिर टाइम नहीं मिल पा रहा या फिर कॉन्फिडेंस नहीं है म्यूजिक वीडियो बनाने का, तो आज मैं आपको देने वाला हूँ कुछ सिंपल अल्टरनेटिव जिसके थ्रू आप इजिली अपने म्यूजिक वीडियोज बना के अपने सॉन्ग को रिलीज कर सकते हो। इट्स योर बॉय सुल्तान, यू आर वॉचिंग नो हिप हॉप, सो लेट्स स्टार्ट रोलिंग विद दिस वन। सो गाइज, आप में से काफ़ी सारे लोगों ने ये क्वेश्चन बार बार मुझे पूछा है कि हम बहुत ही अच्छे ऑडियोज़ बना पा रहे हैं बट हमारे पास रिसोर्सेज नहीं हैं, फंड्स नहीं हैं और कभी कभी कॉन्फिडेंस भी नहीं है कि हम अपने म्यूज़िक वीडियो में आएँ और अपना म्यूज़िक वीडियो बनाएं, तो हम अपने सॉन्ग्स को कैसे रिलीज करें। सो वेल गाइज, आज मैं आपको देने वाला हूँ कुछ बेहतरीन अल्टरनेटिव जिसके थ्रू आप अपने म्यूज़िक को लॉन्च कर सकते हो कुछ वीडियो यूनिट्स बना के, और यहाँ पर आपको प्रॉपर ऑफिशियल म्यूज़िक वीडियो को शूट करने की ज़रूरत भी नहीं है। बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स देने वाला हूँ और आपको क्लियरली इससे आइडिया मिल जाएगा कि आप किस तरह से एक क्रिएटिव वे में अपने म्यूज़िक वीडियोज़ बना सकते हैं और अपने सॉन्ग्स को रिलीज़ कर सकते हैं। सो गाइज, जब भी बात आती है म्यूज़िक वीडियो की और ऑफिशियल म्यूज़िक वीडियो शूट करने की, तो काफ़ी लोगों को ये लगता है कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, लोकेशंस नहीं है, कैमराज नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप अपनी एक स्टूडियो वीडियो शूट कीजिए। जब आप अपने स्टूडियो में सॉन्ग के ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं, डब कर रहे हैं, मिक्सिंग मास्टरिंग हो रही है सॉन्ग की, तो उस पूरे सेशन को आप शूट कर लीजिए। चाहे तो आप अपने मोबाइल फ़ोन से शूट कर लीजिए और उसको उसके बाद अपने सॉन्ग के साथ प्रॉपरली इन सिंक करके रिलीज़ कर सकते हैं। और जब भी स्टूडियो वीडियोस की मुझे याद आती है तो सबसे पहले दिमाग में जो आता है वो है कोलावरी डी, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ। और अगर आपको उसकी म्यूज़िक वीडियो याद हो तो वो सिंपल एक स्टूडियो सेटअप में शूट की गई वीडियो है, आई थिंक ज़ीरो बजट म्यूज़िक वीडियो, और वो कितनी हिट हुई है वो आप और मैं जानते ही हैं। वो इंडिया का सबसे बड़ा फर्स्ट इंटरनेशनल वायरल सॉन्ग था, तो ये आप भी कर सकते हैं। सो गाइस, जो दूसरी कैटेगरी है उसमें आप इफ़ेक्ट्स हैवी वीडियोस बना सकते हैं। इफ़ेक्ट्स हैवी वीडियोस में क्या होता है कि बहुत सारे इफ़ेक्ट्स आप डालते हैं। आप एक नॉर्मल सी वीडियो शूट कर लेते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से और उसके बाद उसमें आप खेलते हैं विद इफ़ेक्ट्स। आप बहुत सारे विजुअल इफ़ेक्ट्स उसमें डालते हैं ताकि जो आपकी वीडियो है वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव लगे, अपीलिंग लगे और लोग उसको देखते रहे और उसको देख के उन्हें मज़ा भी आता रहे। तो इस तरह की आप हैवी इफ़ेक्ट्स वीडियो भी बना सकते हैं। गाइज, एनिमेशन वीडियोस तो हम सब ने देखी हैं, काफ़ी सारे म्यूज़िक वीडियो हैं जो एनिमेटेड फॉर्म में अपने म्यूज़िक वीडियो को रिलीज़ करते हैं। कान्या वेस्ट का हार्टलेस मुझे अच्छे से याद है, वो सबसे पहला हिप हॉप ट्रैक था जो मुझे पसंद आया था विद द म्यूज़िक वीडियो, क्योंकि उसकी जो म्यूज़िक वीडियो थी वो बहुत स्टैंड आउट कर रही थी अपने टाइम से, काफ़ी आगे की म्यूज़िक वीडियो थी। और वहाँ पे कान्या वेस्ट ने एक बहुत ही ज़बरदस्त एनिमेटेड वीडियो बनाई थी, आई एम श्योर कि आपको भी वो वीडियो याद होगी। तो अगर आपका कोई फ्रेंड है जो एनिमेशंस में एक्सपर्ट है या फिर जो एनिमेशन सीख रहा है या फिर उस पर काम कर रहा है, किसी तरह की इंटर्नशिप कर रहा है, तो आप उससे बोल के अपने लिए एक एनिमेटेड वीडियो भी बना सकते हैं। गाइस, कई बार क्या होता है कि आपके पास वीडियोस होती है, आपने जो नॉर्मल अपनी डे टू डे रूटीन में अपनी वीडियो शूट कर रखी होती है, तो आप उन वीडियोस को कलेक्ट कर सकते हैं और उसके साथ ही वहाँ पर आप अपने सॉन्ग्स के लिरिक्स वहाँ पर टाइप कर सकते हैं और जो आउटकम आता है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। आई कुड रिमेंबर जस्टिन बीबर की भी एक वीडियो थी जो मैंने देखी थी और काफ़ी मुझे पसंद आई थी, क्योंकि उसमें कुछ फुटेजेस तो चली रही थी, साथ ही साथ वहाँ पर लिरिक्स भी आ रहे थे, तो इससे भी इंगेजमेंट काफ़ी अच्छी होती है और आपके पास एक क्रिएटिव वीडियो रेडी होती है। हम सब ने अपने लाइफ में ऐसे बहुत सारे सॉन्ग सुने हैं जो ऑफिशियली कभी म्यूज़िक वीडियो के साथ रिलीज़ नहीं होते हैं, बट क्या रिलीज़ होती है, रिलीज़ होते हैं उनके लिरिक्स वीडियो, और लिरिक्स वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव होते हैं, काफ़ी ज़्यादा देखने में अच्छे लगते हैं। और नॉर्मली किसी सॉन्ग का ऑडियो आप वैसे ही अपलोड कर लो यूट्यूब पर, उससे तो कहीं ज़्यादा बेटर आपको रिजल्ट देते हैं, इंगेजमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। और स्पेशली अगर बात करें इंडिया की, तो मुझे लगता है आर्टिस्तान जिस तरह से अपने आर्टिस्ट के लिरिक्स वीडियो बनाता है वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। ओवरऑल अगर बात करें जाए तो हिप हॉप सीन में पर्सनली जो मेरा प्रेफरेंस है या फिर जो मेरी लाइकिंग है, मेरे टेस्ट के हिसाब से जो लेबल काम कर रहा है वो है आर्टिस्तान। वो बहुत ही पॉलिश्ड वीडियो, बहुत ही क्रिएटिव वीडियो बनाते हैं, तो आप उनके लिरिक्स वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं, आई एम श्योर आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगेंगे और बहुत ही इंगेजिंग लिरिक्स वीडियो उनके होते हैं।
और कहीं ना कहीं आपको जो सॉन्ग है उसकी थीम के हिसाब से लिरिक वीडियो डिज़ाइन किए होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको वो देखने में मज़ा भी आता है। तो आर्टिस्तान के यूट्यूब चैनल पर जाके आप कुछ लिरिक्स वीडियो उनकी ज़रूर चेकआउट कीजिए। गाइस, व्लॉगिंग का शौक़ तो काफ़ी लोगों को होता है, हम नॉर्मली अपनी डे टू डे लाइफ में भी काफ़ी सारी चीज़ें शूट करते रहते हैं। तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट टाइम अगर आप कोई इंटरेस्टिंग ट्रिप पे जा रहे हो या फिर आप कहीं बाहर जा रहे हो फ्रेंड्स के साथ, तो आप उसको शूट कर सकते हो, उन सारी फुटेजेस को इकट्ठा कर सकते हो और एक प्रॉपर व्लॉगिंग फॉर्मेट की एक म्यूज़िक वीडियो बना सकते हैं। मैंने भी कुछ दिन पहले रिश की एक वीडियो देखी थी जो अगेन आर्टिस्तान का आर्टिस्ट, और मुझे वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। तो आई एम श्योर कि वहाँ पर आपको भी एक ग्लिम्पसेस देखने को मिल रहे होंगे, तो येस आई एम श्योर कि आपको भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही होगी। काफ़ी क्रिएटिव, काफ़ी सटल, बट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एंगेजिंग वीडियो ये लगती है देखने में। गाइस, काफ़ी सारे इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं जो कि लूप वीडियोस को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। मुझे याद है जेडन स्मिथ की काफ़ी सारी वीडियोस ऐसी आई थी बैक टू बैक, जिसमें सिर्फ एक लूप वीडियो चल रहा है रिपीट पे 2 से 3 मिनट तक, और उसके ऊपर सिर्फ ऑडियो को पेस्ट किया गया था, बट वो इतनी शानदार फुटेज थी, जो फुटेज उन्होंने यूज़ की थी और जो रिपीट पे चल रही थी, जो लूप पे चल रही थी, कि उसकी वजह से पूरी वाइब जो गाने की थी वो सेट हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार लगती है और बार बार देखने का भी मन करता है। तो इस तरह की लूप वीडियोस आप भी बना सकते हैं अगर आपके पास ऐसी कोई फुटेज पड़ी है जो काफ़ी छोटी है, मे बी 4 से 5 सेकंड या 10 सेकंड की, आपको लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा कन्विंसिंग है, काफ़ी अच्छे से शूट हुई है, तो प्रॉपर उसको कलर करेक्ट करके आप उसके लूप बना के उसके ऊपर अपना ऑडियो पेस्ट करके एक प्रॉपर लूप वीडियो बना सकते हैं, जो देखने में बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग लगती है और काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार लगती है। गाइस, इमेजेस, फुटेजेस, लिरिक्स, टेक्स्ट, ये सारी चीज़ों को अगर हम इकट्ठा कर ले और इन सब का कॉकटेल बना दें, तो उसके बाद जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो आता है सूडो वीडियो के फॉर्मेट में। तो सूडो वीडियोस भी आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास आपकी बहुत सारी इमेजेस हैं, कुछ फुटेजेस हैं, कुछ छोटी मोटी क्लिप्स हैं, तो आप उन सबको क्लब करके एक वीडियो बना सकते हैं जिसके ऊपर आप अपने ऑडियो को वहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं और उसके बाद एक प्रॉपर सूडो लिरिकल वीडियो आपकी रेडी हो जाती है। तो इसको भी ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा, आई एम श्योर ये भी बेटर होगा एक नॉर्मल यूट्यूब पे खाली एक नॉर्मल ऑडियो डालने से। अच्छा तो यही होगा कि आप एक प्रॉपर एक विजुअल ट्रीट अपने क्रिएटिव साइड को अपना थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए और एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस दीजिए अपने फैंस को। सो वेल गाइस, ये थे वो सारे डिफरेंट फॉर्मेट्स या अल्टरनेटिव्स जो आपके पास अवेलेबल है, जिसके थ्रू आप इजीली अपनी म्यूज़िक वीडियो बना सकते हैं। ऑफिशियल म्यूज़िक वीडियो भी आप उसको कह सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे प्रॉपरली अच्छे से आप ये सारे अपने रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, अपने नेटवर्क को यूज़ करते हैं, और आपको देखना ये है कि आपके जान पहचान में, आपके रिसोर्सेज में, आपके नेटवर्क में ऐसे कौन से लोग हैं जो आपको इस तरह की म्यूज़िक वीडियो शूट एडिट करने में हेल्प कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप खुद से ये स्किल सीखें, तो मैंने इसके ऊपर भी ऑलरेडी वीडियोज़ बना रखी है, जहाँ पर मैंने किस तरह से आप अपने म्यूज़िक वीडियो को शूट कर सकते हैं खुद से, उसके ऊपर वीडियो बना रखी है, किस तरह से अपने म्यूज़िक वीडियो को एडिट कर सकते हैं उसके ऊपर भी मैंने वीडियोज़ बना रखी है, तो आप मेरे चैनल पे वो भी चेकआउट कर सकते हैं, लिंक मैं दे दूंगा आई बटन में, वहाँ से आप जाके ईजिली चेकआउट कर सकते हैं और आप भी अपनी म्यूज़िक वीडियो को प्रॉपरली अपलोड कर सकते हैं यूट्यूब पर और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा बेटर वे में एंगेज कर सकते हैं। गाइज, अगर आज की वीडियो को लेकर कोई भी क्वेरीज है, कोई भी डाउट्स है, तो कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछिए, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू आउट विद द आंसर्स। और गाइस, साथ ही साथ हैशटैग फायर मेरी बीट्स कॉन्टेस्ट, जो बीट मेकर्स के लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए है, वो भी मैं अनाउंस करने वाला हूँ वंस वी हिट 70,000 सब्सक्राइबर्स ऑन दिस चैनल, और वहाँ पे एक्साइटिंग आपको प्राइजेस मिल सकते हैं। अगर आप एक बीट मेकर है तो ये प्लीज़ नोट डाउन कीजिए, और अगर आपका कोई फ्रेंड बीट मेकर है तो उसे भी प्लीज़ बताएं कि इस तरह के कॉन्टेस्ट हम करने वाले हैं इस चैनल पे वंस वी हिट 70,000 सब्सक्राइबर। तो फटाफट 70,000 सब्सक्राइबर पे लेकर जाओ इस चैनल को। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडेज एपिसोड। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने किसी आर्टिस्ट फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडेज एपिसोड। इट्स योर बॉय सुल्तान साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट एपिसोड ऑफ नो हिप हॉप। टिल देन, लॉट्स ऑफ लव एंड peace.